आके साहब आप भी बताइए क्या क्या परेशानी आप लोगों की। अब मंत्री बनना था, वादा किया गया था, नहीं पूरा हो रहा। देखिए अंजना जी, मंत्री बनने की और ये चीजें होती तो जब पिछली बार जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय पहले साहब उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास मंत्रालय थे, हमारे लोग भी मंत्री थे। हम लोग पहली बार जीत कर आए तो हम लोग कोई मंत्रिमंडल या उन चीजों को नहीं मांग रहे। हम लोगों की जो मुख्य रूप से बात है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिन लोगों ने 5 साल तक संघर्ष किया 21 सीटों पर आई हुई पार्टी को खड़ा करने में जिन लोगों ने मदद करी, वो लोग आज अपने आप को सत्ता से दूर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष इसलिए किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। तो अगर उनको सत्ता में आने के बाद उन लोगों के काम नहीं होंगे, उन लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी, उन लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं होगी, तो कांग्रेस आला कमान ने भुला दिया है सचिन पायलट और आप लोगों की नाराजगी को, यही शिकायत है ना? देखिए हम लोगों का जो आला कमान से हमारी बात थी और जो पायलट साहब ने मुद्दे रखे थे, वो मुद्दे केवल मंत्रिमंडल का नहीं था। मंत्रिमंडल का होता तो उप मुख्यमंत्री थे, अपनी जगह बैठकर अपनी आराम से 5 साल निकाल सकते थे। लेकिन जिस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनका कद था, जिस तरीके से मान सम्मान होना चाहिए था, वो चीजें राजस्थान में खराब हुई। आलाकमान इंटरफेरेंस करके उन चीजों को सुना गया, उन चीजों को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश की गई। तो जो मुख्य तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया में जो आम के बात चल रही है तो वो ये है कि जब 10 दिन में पंजाब की चीजें सुलझ सकती है, बुलाकर बात की जा सकती है, तो हम लोग यही कह रहे हैं, पायलट साहब भी यही कह रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं की सुनो। वो अपने लिए कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, हम लोग अपने लिए मंत्री पद नहीं मांग रहे, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है वेद सोलंकी साहब, मैं गौरव भाटिया जी आ रही हूँ आपके पास। सोलंकी साहब जरा बताइए, जो के ताकत और सत्ता का पावर का विकेंद्रीकरण आप दोनों बार बार कह रहे हैं, तो क्या गहलोत जी ने पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में रखी हुई है? हाँ मैडम, क्या करते हैं? देखिए बात जहां तक कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, बात ये हो रही है राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं, राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन जो भी अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं उसमें रिटायर्ड अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिसे कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस हुआ है। और विशेषकर जो हम बात बार बार में कर रहे हैं, जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात कही है वो बात यही कही है कि वो यहाँ पर 6-7 साल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जब हम विपक्ष में थे, हम सड़कों के ऊपर थे, तब यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बेरोजगार छात्र आते थे, डेलीगेशन आते थे, उनसे वादा किया था उस समय सचिन पायलट जी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद में हम लोग आपका ये काम कराएंगे या आपका जो इश्यू है उसको शॉर्ट आउट कराएंगे। आज वो इश्यू शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि आपने वादा किया था जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उसका जवाबदेही कौन है? इन बातों को भी आलाकमान अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा कि सचिन पायलट जी अपने लिए कुछ नहीं